ये आप गलत अल्फाज मत यूज करिए। अपने साथियों के साथ बीएसपी ज्वाइन किया। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की ऐसी पार्टी है जो कभी भी हल्ला करके राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, एक मिशन है। हमारा समाज इतना रहीस है कि अगर एक दिन की तमाकू छोड़ देना तो लगभग 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ एक दिन आ जाएगा। तो ऐसे मत कहिए गरीब है। तुमने आज तक देश का संविधान लागू नहीं किया कि जो जो समाज ताजा नहीं होता उसका कभी राजा नहीं होता। तो दलित समाज जो है उनके जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज छोड़कर दूसरे पार्टियों जो दलित और पार्टियां हैं जो बहुजन समाज की और पार्टी उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें कैसे आप इकट्ठा करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि दलित समाज के नेता हैं जैसे आपने बताया झुग्गियों में जो दिल्ली के आधे स्लम एरिया में, तो ये यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये जो हमारी बिरादरी के लोग हैं ये पूरे मैक्सिमम स्लम एरिया में रहते हैं दिल्ली के, तो लाखों की तादाद में रहते हैं और ख़ासकर बुंदेलखंड से यहाँ पर आके रह रहे हैं। तो हमारे उमेश पिपरैया जी हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे समता विकास पार्टी के, उनको उन्होंने ज्वाइन किया और हमने भी 21 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का विलय किया है। तो ये जो स्लम एरिया में है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में जैसे सी पी सिंह साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में भी मजबूत करेंगे और 2024 में बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि दूसरी पार्टियों के लड़ने के बजाय जो दलित समाज की पार्टियां हैं उनसे लड़ना, उनसे इकट्ठा करना, क्योंकि वोट तो बट गए ना? देखिए जहाँ तक बटने की बात है तो सबका अपना अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में स्लम एरिया में गांव-गांव में जाकर बहन जी का जो आदेश है गांव-गांव में जाकर बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है। अभी तक जो मजबूती की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, और जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए बहन जी के आदेश से गांव-गांव पहुंच रहे हैं और स्लम एरिया में भी दिल्ली में पहुंच के हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे। दिल्ली के स्लम एरियों का तो बहुत बुरा हाल है सर, लाइव वीडियो पे दिखाए गए हैं कई बार। जी जी, तो जो खासकर बुंदेलखंड के लोग यहाँ पर रहते हैं स्लम एरिया में मैक्सिमम 50% लोग, तो वो सब अभी आज से हम लोग ने शुरुआत कर दी है समता को आने वाले समय में मजबूत बनाएंगे, स्लम एरिया में मजबूत बनेगी। और इसलिए स्लम एरियों में ज़्यादा है। जी जी, तो ये बुंदेलखंड के ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं और लाखों की तादाद में हैं, इसलिए समता विकास पार्टी का आज विलय हुआ है और आप स्लम एरिया में भी आने वाले समय में मजबूत। कारण क्या रहे सर विलय होने के? थोड़ा सा विलय क्या है कि हमने भी बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांसीराम साहब के आंदोलन से जुड़कर, तो हम लोग कुछ बीच में हम लोग नाराज़ हो गए थे, लेकिन आज हमने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, एक मिशन है। तो जब मिशन हम सत्ता में आए चाहे ना आए, लेकिन इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन, वो लगातार चलते रहना चाहिए। उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के कि हमारे वोटों के ऊपर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, भाजपा, वो राज करती रही हैं, हम लोग हमारे वोटों को तैयार करके बहुजन समाज का राज होगा। नहीं, ये तो नहीं है कि 2024 में बीएसपी कोई बड़ा खेल करने वाली है देश में, देश की राजनीति। ये तो अब बहन जी का मसला है, माननीय अध्यक्ष जी का मसला है, इसमें हमारा मसला नहीं है, लेकिन हमारा काम है उनके नेतृत्व में काम करना, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। वो प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश के स्लम में रहने वाले जो SC ST OBC गरीब समाज के सर्व समाज के लोगों का भला होगा, यही हम लोग की कामना है। लगातार जो है बीएसपी डे बाय डे दिल्ली में ग्रो कर रही है, पहले भी थी, क्या कहेंगे इसके लिए तमाम जी? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग 26 जनवरी की आप सभी को बधाई देते हैं, देशवासियों को बधाई देते हैं और दिल्ली वासियों को बधाई देते हैं। आज जो समता विकास पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश में विलय हुआ है और हम सभी इन सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में, आप लोग देख रहे होंगे हमारे लोग ज़्यादातर स्लम एरिया में रहते हैं और जैसे आदरणीय बहन जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और तमाम जो बड़े राज्य हैं वहाँ जहाँ गांव क्षेत्र में भारत बसता है, तो बहन जी ने वहाँ नारा दिया कि हम लोग गांव चलो अभियान। इसी तरह आदरणीय बहन जी के हम नक्श कदम पर चलते हुए उनके आदर्श को मानते हुए हम दिल्ली में भी झुग्गी चलो अभियान के तहत दिल्ली में पूरे जो झुग्गी एरिया है वहाँ हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, लगातार जा भी रहे हैं। तो हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में दलितों, पिछड़ों और खासकर जो सर्व समाज में जो गरीब समाज के लोग हैं उन सभी को हुक्मरान बनाने के लिए काम कर रही है। तो उसी फलस्वरूप आज जो दिल्ली प्रदेश में आप लगातार जो कारवा देख रहे हैं, हमें हार और जीत से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमको ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि प्रयास तो हो।
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास ही है जिसकी वजह से आज आदरणीय बहन जी हमारी दो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, और ये प्रयास ही है कि आज हम लोग इस बोलने लायक बने कि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो ये प्रयास ही हम लोग भी करेंगे कि दिल्ली में और तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी का कारवां बने। उसके लिए हम खासकर जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि नौजवानों को बार बार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 18 मार्च 1956 में आह्वान किया था कि नौजवानों को जुड़ना चाहिए। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब जो समाज ताज़ा नहीं होता उसका कभी राजा नहीं होता, तो युवाओं की तरफ उन्होंने अपील की थी। और फिर पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आपने देखा होगा, 50% युवाओं की भागीदारी के तहत पूरे देश में आंदोलन चलाया है कि नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी और मानवर काशीराम साहब के साथ जो सपनों का भारत बनाने के लिए साथ लाने की बात कही है। तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर इस कारवां को आगे लेके चलेंगे, उसमें आज पिपरिया भाई जो उमेश पिपरिया भाई ने यहाँ पर अपनी पार्टी का विलय किया और नौजवानों के साथ में यहाँ पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, तो ये प्रमाण है कि बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब बाबा साहब महापुरुषों के आंदोलन जो विधिवत चल रहा है उसके साथ चल रही है। हार जीत उतार चढ़ाव जो चला रहता है राजनीति में और वो आता रहेगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम बेहतर करेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि बीएसपी अब लड़ ही नहीं रही, पहले जैसे लड़ती थी अब लड़ ही नहीं रही, सड़क पर उतर ही नहीं रही, निष्क्रियता बढ़ी है। देखिए आपका सवाल जायज है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने संवैधानिक और जो बाबा साहब परम पूज्य अम्बेडकर साहब जो संविधान में लिखे गए हैं कि हमको कानून का दायरा रह कर काम करना है। आप लोगों ने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी हुल्ला करके राजनीति नहीं करती। उनको पता है कि अगर हम लोग हुल्ला करेंगे तो ये जो मनवादी सत्ता में लोग बैठे हैं तो हमारे नौजवानों जेल में ठूसने काम करेंगे, तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। ये बात और है कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो वही सवाल दोहराते हैं जो मनवादी मीडिया दोहराती है। तो मैं तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग अपनी जो पार्टी आज यहाँ विलय हुआ है, इतनी संख्या में जो गरीब समाज के लोग अपना घर काम धंधा छोड़कर पार्टी के मीटिंग में अरेंज करने आए, उनकी सराहना करने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी आज दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में तो आप देख रहे हो तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ तक आर एस प्रवीण जी और पंजाब में गढ़ी साहब और दिल्ली में लक्ष्मण सर और सीपी सर, हम तमाम लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो उसको आपको प्रमुखता से दिखाने का काम करना पड़ेगा, मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी। अरे जी दिल्ली में लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो टीचर हों चाहे वो कोरोना वॉरियर हों, लगातार उनको ये सरकार दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको निकाल रही है तमाम हॉस्पिटलों से, तो क्या बीएसपी उन लोगों की कोई मदद करेगी इस मामले? देखिए पीछे हमारे साथ कुछ शिक्षा जो संविदा के शिक्षक थे वो हमारे पास आए थे, हमने उनको आश्वासन दिया था कि भाई आप लोग अपना डाटा लेके आइएगा, क्योंकि जिस दिल्ली सरकार को जिन लोगों ने चुना है और उसने झूठा नारा लोगों को गुमराह करने का काम किया था कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, हम नौकरा जो 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 ठेकेदारी प्रथा वो खत्म करेंगे। लेकिन जो वर्तमान दिल्ली सरकार जो है, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की है, दोनों केजरीवाल और जो मोदी सरकार, दोनों ही सरकारें ठेका प्रथा का काम कर रही हैं और जो संविधान में प्रावधान हमको मिला है आर्टिकल 16 में उसके तहत काम नहीं कर रही। अगर हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उन सरकारों की नीयत ऐसी होनी चाहिए जो दिल्ली में बैकलॉग्स हैं वो पूरा करें, उनकी हिम्मत नहीं है। तो इस तरह जो अब जो नाटकबाजी कर रहे हैं, खासकर जो ठेका प्रथा चला रही है खासकर केजरीवाल सरकार, उसके हम तमाम जो कार्यों से हम लोग खिलाफत करते हैं। और रही बात उसकी, जो डाटा हम लोग लेके आएंगे आरटीआई द्वारा, उसके द्वारा हम आप सभी के माध्यम से ये पर्दाफाश करने काम करेंगे। ये दिल्ली में जो सरकार है वर्तमान में ये भी उसी तरह मनवाद की घोतक है जैसी कि केंद्र में है। ये संविधान विरोधी सरकारें हैं जो आज जो जरूर 26 जनवरी के संविधान के नाम पर नाटक कर रही हैं, लेकिन हकीकत में इन लोगों ने आज तक देश का संविधान लागू नहीं किया। जिस दिन ये संविधान लागू कर देंगी उस दिन गरीब और कमजोर वर्ग को भी रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ये काम आदरणीय बहन जी ने किया, जब सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी तो तमाम लोगों को सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिली, सरकारी महकमे में हिस्सेदारी मिली, नौजवानों को नौकरियां मिली और आदरणीय बहन जी ने काम करके उत्तर प्रदेश में दिया। तो जो जहां का व्यक्ति था वहीं पर बसकर अपने आजीविका के लिए बहन जी ने काम कराने काम किया। जो दुर्भाग्य है लोगों का कि दिल्ली जैसी राजधानी जो तमाम कमाने खाने लोग आते हैं, अगर ये लोग अपने वोट की कीमत सही समझ कर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को अगर ताकतवर बनाते तो आज ये जो तमाम जो मनवादी ताकतें जो उत्तर दिल्ली में बैठी हुई हैं उनके जाल में नहीं फंसते, तो हमारी यहाँ सरकार होती, हमारी व्यवस्था होती, हम एमसीडी में मौजूद होते, हम दिल्ली के विधानसभा में मौजूद होते। लेकिन आप सभी को बता दें, नौजवान फिर पुनः से जग रहे हैं,
जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आह्वान किया था, काशीराम साहब ने किया था, आदरणीय बहन जी नौजवानों को जोड़ने की बात कर रही हैं, पूरे देश में और दिल्ली में खासकर नौजवान साथ आ रहे हैं और मैं हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं दिल से जी। तमाम मुद्दों पर आर्थिक यानी इकोनॉमिकल फंड की आवश्यकता पड़ेगी, आप पूरे भारत में काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी पावर में नहीं है, जब पावर में नहीं है तो फंड का अरेंज कैसे करेंगे, वो तो पावर में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा हमेशा रहा है कि ये मूवमेंट जो है सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है। ये सेल्फ हेल्प मतलब हम अपने मूवमेंट को चलाने के लिए अपने जेब से जो हमारा हम कमाते दमाते हैं उसे 10-20-50 रुपए देकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इस पूरे कार्यकर्ता के बेस पर काम कर रही है। समुदाय भी बहुत गरीब है, हमारा समाज इतना रहीस है कि अगर एक दिन की तंबाकू छोड़ देना तो लगभग 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ एक दिन आ जाएगा। जी जी। तो ऐसे मत कहिए गरीब है, ये आप गलत अल्फाज मत यूज करिए। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और हम लोग भी मजबूती साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और मैं उमेश कुमार पिपरैया समता विकास पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैंने आज 26 जनवरी के अवसर पर मैंने अपने साथियों के साथ ज्वाइन किया, हाँ, बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हाँ, ज्वाइन किए हैं। कारण क्या रहे आपको, मतलब वो जैसे कि जिस तरीके से हमारे समाज पर हम लोग श्रीलंग विभाग में रह रहे हैं जो हम लोग, तो हमने हमारे समाज के पार्टी में कोई बारे में नहीं सोचता, इसलिए हम लोगों ने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा और डॉक्टर सीएल बंसकार जी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की है और हम आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। जय भीम।